तो देखो सिंपल सी बात है आपके पास कोई भी इक्वेशन है जैसे यहाँ पर इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस है अब आपके पास जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं आप उतने टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट करते हैं तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है ठीक है तो यहाँ मैं इसको इक्वेशन नंबर वन दे देता हूँ यहाँ पर मेरे पास ए की आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ए की कॉन्स्टेंट है ए तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा देन ए को इलिमिनेट करूंगा ठीक है तो यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन किया एल एच इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डिवाई बाई डी एक्स होगा है ना एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करें इसको हम यू ले लेते ले हैं ये पूरा वी हो जाएगा तो यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन होगा यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू ठीक है तो ये फॉर्मूला जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपने एक्स को ड्रॉप किया साइन का डिफ्रेंशिएशन तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है फिर जो अंदर चल रहा है एक्सप्लस है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो जीरो प्लस वन या वन प्लस जीरो एक ही बात है है ना एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन आएगा और कॉन्स्टेंट का करोगे तो जीरो आएगा ठीक है ये तो यू को ड्रॉप करके वी का डिफरेंशियन अब हमने क्या किया वी को ड्रॉप किया और यू का तो एक्स का डिफरेंशियन वन क्लियर तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है चलो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से आपको क्या करना है कैपिटल ए को एलिमिनेट करना है ठीक है जैसे आप कैपिटल ए को एलिमिनेट करेंगे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी अब देखिए यहां पर ये जो साइन एक्स प्लस है इसकी जगह तो मैं वाई बाई एक्स रख दूंगा इक्वेशन नंबर वन से लेकिन कोस का क्या करेंगे तो हम क्या करते हैं कोस को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इक्वेशन बनती डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कोस जो है हमारे पास होता है इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर के तो वन माइनस साइन स्क्वायर के जैसे हम इसको इक्वल करते हैं तो ये आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस है ऐसा बनेगा कोस स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर के प्लस साइन एक्स प्लस है ठीक है अब तो इजीली हम क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं ये जो स्क्वायर रूट आपके पास है इसको लिमिनेट करते हैं असन तो कैसे एलिमिनेट करेंगे देखो ये साइन एक्स प्लस है इसको एल में लेके आओ पहले होल स्क्वायर से तो हटेगा स्क्वायर रूट तो ये साइन एक्स प्लस है एल एच एस में आया आपके पास आर एच एस में रहा एक्स इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई या एक्स प्लस है अब यहाँ से आप स्क्वायर करते हो तो आर एच एस का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास हट जाएगा ठीक है तो मैंने क्या किया यहाँ से स्क्वायर किया तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल आएगा किसके एक्स स्क्वायर इन टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई ए या एक्स प्लस ए के क्लियर ये आपने यहाँ पर होल स्क्वायर किया बोथ साइड तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया क्लियर अब हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते तो देखो आप इक्वेशन नंबर वन से साइन एक्स प्लस ए की वैल्यू आ रही वाई बाई एक्स तो मैं सब जगह यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए की जगह वाई बाई एक्स पुट कर देता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स साइन एक्स प्लस ए की जगह वाई बाई एक्स रखा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स प्लस एक ही जगह वही वाई बाई एक्स होल स्क्वायर ठीक है तो ये बनता है हमारे पास यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स एल्सीम लेते हैं हम यहाँ पर तो एलसीम लेंगे तो एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई और अपॉन में आएगा आपके पास x होल स्क्वायर इसी टाइप से एलसीयम लेंगे है ना x जो है डिवाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आप यहाँ से अलग अलग करो सेम यही आएगा ऊपर वाली इक्वेशन आर एच एस में देखें एक्स स्क्वायर साथ में यहाँ भी क्या करते हैं हम एलसीयम ले लेते हैं ठीक है तो ये आपके पास पहले एल्सएम लेने से पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो तो वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा आ रहा है क्लियर अब देखें आप यहाँ पे यह होल स्क्वायर जो आपके पास चल रहा है पावर अलग अलग कर लेता हूँ तो एक तो हो गया मेरे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक हो जाता हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर और आर एच एस में एक्स स्क्वायर और साथ में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लूंगा तो और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर ही रहेगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास ठीक है ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल एल एच एस में बचा एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आरएचएस में देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर फोर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है माइनस वाली टर्म को भी आप एल एच एस में लाके प्लस में कर सकते हैं तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास x डीवाई बाई डी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर फोर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारे पास और ये फाइनल आंसर क्लियर क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी आई टी आई और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ पर